श्री श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा निकाली गई कलश शोभा यात्रा। श्री श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति आजमनगर दरभंगा द्वारा आज नवरात्रि के प्रथम दिन कलश शोभा यात्रा निकाली। यहां माता की मूर्ति भव्य रूप में स्थापित है। आज नवरात्रि के प्रथम दिन के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह कलश शोभा यात्रा आजमनगर से कैदराबाद नाका नंबर 2 बालूघाट होते हुए आजमनगर पुनः लौट गई है। यहाँ भक्तों पर माता की असीम कृपा रहती है। आज पहला दिन क्यों निकाला गया कलश शोभा यात्रा? क्या जैसे किस चीज का प्रतिमा स्थापित किया? कब स्थापित हुई थी? तो इसे लेकर के पहला दिन ही कलश शोभा यात्रा निकलती है। कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं? कितना कलश होगा करीब? इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर। एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। नफीसा हज एंड उमराह ट्रेवल्स, हज उमराह ज़ियारत 16 अक्टूबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 10 नवंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 20 दिसंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 15 जनवरी 2024, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, उमरा वीजा, होटल, इंश्योरेंस, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाय बस, जियारत, जमजम लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड। इस बार हज उमरा का प्रोग्राम ये है, 2 सितंबर को पहला ग्रुप जा रहा लगा 15 दिन के लिए, 16 सितंबर को वापसी होगी। 95,000 के पैकेज है और सारी सहूलत है इसमें, खाने से लेके लॉन्ड्री, इंश्योरेंस, ज्यारत, मक्के के लिए, मदीने के लिए, सब इंक्लूड है इसके अंदर। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं? जिनको पूरे बिहार से हमारे पास है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सब जगह के लोग आते हैं दरभंगा के लिए। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये? 15 साल हमारा हुआ, ऐसे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है। 15 साल से ग्रुप लेके जाते हैं, साल में 5-6 ग्रुप जाता है हमारे, और साथ में हम खुद जाते हैं, सारा मेंटेनेंस रेजिमेंट हम खुद करते हैं, इसमें किसी